क्या कोई भी साधारण व्यक्ति ज्योतिषी बन सकता है? पहले मैं दो शब्द में ज्योतिष की व्याख्या कहूंगा, उसके बाद मेरा जो मुख्य उद्देश्य है वो ज्योतिषियों के ऊपर है कि ज्योतिषियों में वो कौन से गुण विद्यमान होना बहुत आवश्यक है। उनके बिना कभी भी ज्योतिषी किसी भी प्रकार की भविष्यवाणी नहीं कर सकता। सबसे पहले ज्योतिष की बात करें तो ज्योतिष क्या है? सूर्यादि ग्रहणाम काल बोधम शास्त्रम से ज्योतिषम। सूर्यादि ग्रह इन काल का जो बोध कराता है वो ज्योतिष शास्त्र कहलाता है। देखिए ज्योतिष जो है ये एक ब्रह्मांड का विषय है और इसे जानने के लिए किसी भी व्यक्ति को ब्रह्म ज्ञानी होना बहुत आवश्यक है, उसकी औरा ब्रह्मांड से लिंक होना बहुत आवश्यक है। उसके बिना वो कभी भी ज्योतिषीय किसी भी प्रकार की घटनाओं का आंकलन नहीं लगा सकता है। ज्योतिष उसी प्रकार से होता है जिस प्रकार से एक छोटे से बीज में एक विशाल वटवृक्ष समाहित होता है, ठीक उसी प्रकार से ज्योतिष इन तीन शब्दों में मानवीय जीवन का भूत भविष्य और वर्तमान समाहित है। ज्योतिष वो दिव्य ज्ञान है जिसके माध्यम से हमारे हिंदू सनातन संस्कृति के सभी प्रकार के व्रत पर्व जो भी त्योहार आते हैं वो संपन्न किए जाते हैं। किसी भी प्रकार के पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान का संपूर्ण शुभ फल प्राप्त करने के लिए ज्योतिष की बहुत आवश्यकता होती है। शुभ अशुभ का जो एक समय हम जांचते हैं वो ज्योतिष के माध्यम से ही जाना जा सकता है। व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु उपरांत तक के जितने भी संस्कार होते हैं वो बिना ज्योतिष के संभव नहीं है। और यदि हम ज्योतिष को नकार देते हैं तो हमारे हिंदू सनातन संस्कृति के जितने यूं कह सकते हैं कि हमारी जो हिंदू सनातन संस्कृति है वो असंतुलित हो जाएगी। ज्योतिष महान विज्ञान है, प्रत्यक्ष है। ज्योतिष शास्त्रों में वर्णन भी आता है इसका, अप्रत्यक्षाणि शास्त्राणि विवादस्ति सु केवलम। देखिए अन्य जो शास्त्र हैं वो प्रत्यक्ष नहीं है इसलिए उसमें फिर भी वाद विवाद की कहीं बात हो सकती है, परंतु हमारे वेदों में वर्णित है कि प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रम चंद्रार्को यत्र साक्षिणो। ज्योतिष शास्त्र तो प्रत्यक्ष है, इसमें किस प्रकार की वाद विवाद की आवश्यकता है? और इसके साक्षी सूर्य और चंद्र है, प्रत्यक्ष है, आंखों से देखे जा सकते हैं। ज्योतिष अनंत है। यदि मैं ज्योतिष पर विस्तृत व्याख्या करूंगा तो मेरा जो मुख्य उद्देश्य है ज्योतिषियों के ऊपर बोलने का वो छूट जाएगा। नकारने वाले लोग तो भगवान को भी नकारते हैं कि नहीं। एक बात कहना चाहूंगा, जो उल्लू होता है ना उसको सूर्य के प्रकाश में कभी दिखाई नहीं देता और उल्लू को यह लगता है कि दिन कभी होता ही नहीं है, मगर यह सत्य नहीं है। इसमें सूर्य का दोष नहीं है कि उल्लू को दिन में दिखाई देता नहीं है। ठीक उसी प्रकार से ज्योतिष का जो ये परा विज्ञान का जो मार्मिक ज्ञान है ये साधारण लोगों के समझने का विषय है ही नहीं। इसके लिए हमारे ब्रेन की फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होना बहुत आवश्यक है, तब जाकर के ज्योतिष विज्ञान को समझा जा सकता है। अनंत है ज्योतिष विज्ञान, इसकी जितनी महिमा कही जाए इतनी कम है। लेकिन बात आती है ज्योतिषियों के ऊपर, मुझे बहुत दुख होता है कि इस ज्योतिष ज्ञान की अल्पता की वजह से हमारा ये ऋषियों का इतना पवित्र और दिव्य विज्ञान कलंकित होता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं सभी ज्योतिषी भाइयों से कि इस विज्ञान को किसी पे भी प्रयोग करने से पूर्व इसका विधिवत अध्ययन किया जाए, इस पे विधिवत शोध किया जाए, इसमें बहुत जल्दबाजी में किसी भी प्रकार की कोई भविष्यवाणी नहीं की जाए। बहुत कुछ विचार करके बोलना चाहिए ज्योतिषी को। ज्योतिषी का एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। जब कोई व्यक्ति ज्योतिषी के पास आता है तो बहुत श्रद्धाव्रत होकर के आता है, वो समर्पण हो जाता है ज्योतिषी के प्रति। तो ज्योतिषी की जिम्मेदारी बनती है कि बहुत गंभीरतापूर्वक विचार करके अपनी वाणी का एक एक शब्द बहुत सोच समझ के बाहर निकालें
क्योंकि जो व्यक्ति आपके पास आया है उसके लिए आपका एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए आज हम बात करेंगे ज्योतिषी के लक्षणों के ऊपर कि एक सफल और श्रेष्ठ और संपूर्ण जनमानस को लाभ पहुंचा सकता है ऐसे ज्योतिषी में किस प्रकार के गुणों का होना अनिवार्य है। सबसे पहले मैं बात कहूं तो ज्योतिषी को विनम्र होना बहुत आवश्यक है। विनम्रता के साथ ज्योतिषी का जो जीवन है वो दुर्व्यसन से मुक्त होना बहुत आवश्यक है। दुर्व्यसन में जो लिप्त है ऐसे ज्योतिषी कदापि किसी का भला नहीं कर सकते। मुझे बहुत दुख होता है, मैं बहुत बार देखता हूं लोग गुटखा बीड़ी सिगरेट ऐसी चीजों का पान करके और किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन का फलित करते रहते हैं, तो देख के बड़ा दुख होता है मन। क्या ऐसी झूठी वाणी से मां सरस्वती उस व्यक्ति का कल्याण कर सकती है? ध्यान रखिएगा, ये ज्योतिषियों के लिए विशेष बात बता रहा हूं। दुर्व्यसन से मुक्त जीवन होना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि आपकी वाणी झूठी होगी तो वो कभी भी किसी का कल्याण नहीं कर सकती है। वाणी जब आप बोल रहे होते हैं, शब्द जब आपके बाहर आते हैं, तो ध्यान रखिएगा सिर्फ शब्द बाहर नहीं आते हैं, शब्द के साथ कुछ खास प्रकार की विद्युत तरंगे उसके साथ मिक्स होकर बाहर आती है और उसके ऊपर निर्भर होता है कि अगले व्यक्ति के जीवन को वो कितना प्रभावित करेगी आपकी बात। जब आप बोलते हैं तो आपकी संकल्प शक्ति क्या है, आपकी चिंतन शैली क्या है, आपके जीवन में आप किस प्रकार के आचरण करते हैं, आप किस प्रकार की विचारधारा में लिप्त रहते हैं, ये विद्युत तरंगिया आपके शब्दों के साथ मिश्रण होकर के बाहर आती है और आप सही मायने में जैसा आप अंदर से हैं वैसा बोल रहे हैं, वैसा उसे बता रहे हैं, तो वो शब्द उसके जीवन को निश्चित रूप से प्रभावित करेंगे। ज्योतिषियों के लिए दूसरी सबसे बड़ी बात है कि ज्योतिष भाइयों को कभी भी ज्योतिषीय भविष्यवाणी चलते फिरते हंसी मजाक में मूर्ख लोगों के बीच, कुटिल लोगों के बीच, कुटिल लोगों की जहां सभा हो उसमें कभी भी अपनी भविष्यवाणी नहीं करनी चाहिए। प्रायः देखने को मिलता है, मेरे साथ भी ऐसा होता है, हम कहीं भी जा रहे हैं, किसी शादी में गए, कहीं रास्ते चलते लोग पूछ लेते हैं हमारा भी बताइए क्या होगा, तो ऐसा सुनकर के बड़ा अजीब लगता है। ज्योतिष एक ऐसा विषय है, एक बिल्कुल शांति प्रिय स्थान में बैठ करके आप गंभीरता से अपने इष्ट देव का चिंतन करके, गायत्री मंत्र का स्मरण करके, जब अपनी मानसिक स्थिति को एकाग्र करके जब आप किसी के जीवन का हित सोचते हैं तो आपकी वाणी से वही निकलता है जो उसके जीवन में हितकारक सिद्ध होगा। और पूछने वाले की भी जिम्मेदारी बनती है कि जब भी वो ज्योतिषी से पूछे तो पूर्ण रूप से श्रद्धावनत होकर पूछे। ध्यान रखिएगा, आपके प्रश्न में जितनी गंभीरता होगी, जितनी एकाग्रता होगी, तदनुरूप ही आपको ज्योतिषी का फलित प्राप्त हो जाए। आपके ऊपर बहुत निर्भर करता है, पूछने वाले के ऊपर बहुत निर्भर करता है कि ज्योतिषी के मन की बात कैसे निकलवाई जाए। बहुत सारे लक्षण हैं ज्योतिषियों के जो शास्त्रों में वर्णित है, हर किसी ज्योतिषी को अपनाना चाहिए। ज्योतिषी बनना बहुत साधारण काम नहीं है, इसके लिए ब्रह्म ज्ञानी होना आवश्यक है। आपकी ऊर्जा संयम साधना के पथ से गुजरती हुई ब्रह्मांड से लिंक करे, इष्ट चिंतन हो मस्तिष्क में। ध्यान रखिएगा, जितनी ज्यादा सकारात्मकता होगी, सकारात्मकता से भरे हुए मस्तिष्क में जो भी विचार आएगा वो निश्चित रूप से साकार होता है। हास परिहास में तो ज्योतिषी को कभी भी भविष्यवाणी नहीं करनी चाहिए, और अधिकांश देखने में यही आता है। ऐसी स्थिति में ज्योतिषी स्वयं तो कलंकित होता है, साथ में ज्योतिष विद्या को भी कलंकित करवाता है। ज्योतिष बहुत साधारण लोगों के जानने का विषय नहीं है, ज्योतिष को जानने के लिए, समझने के लिए आपके ब्रेन की फ्रीक्वेंसी इतनी हाई होना आवश्यक है, आपकी ऊर्जा ब्रह्मांड से लिंक होना आवश्यक है। ज्योतिषी बनने के लिए पात्रता कितनी गहरी होना आवश्यक है, ये एक ज्योतिषी को समझना बहुत जरूरी है। ध्यान रखिएगा, ज्योतिषी बनना बहुत कठिन है, ज्योतिषी कलाकार बनना फिर भी सहज है। और आज के समय अधिकांश लोग ऐसे ही मिलते हैं, ऐसे लोगों की वजह से ज्योतिष कलंकित है।
मार्केट से दो पुस्तकें पढ़ी नहीं कि अपने नाम के आगे ज्योतिष आचार्य लगा देते हैं। ध्यान रखिएगा, इन दोनों ज्योतिषियों में, ज्योतिष विद्वान और ज्योतिष कलाकार में उतना ही फर्क होता है जितना एक चमड़ा सिलने वाला मोची और एक हार्ट सर्जरी करने वाला डॉक्टर। इन दोनों का काटने सिलने का काम होता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, मोची कभी हार्ट सर्जरी नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। इसलिए ज्योतिषी वही किसी व्यक्ति को सन्मार्ग पर ले जा सकता है जो स्वयं संयम साधना के पथ पर चलता है, स्वयं का जीवन दुर्व्यसन से मुक्त है, स्वयं हमेशा अपने इष्ट चिंतन में रत रहता है और निरंतर अपने मित्र, रिश्तेदार, जितने भी संपर्क के व्यक्ति हैं, उनके जीवन में जो घटना घटित हो रही है उन पर निरंतर ग्रह नक्षत्र के द्वारा शोध करता है कि आखिरकार ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों हुआ। ज्योतिषी पूर्ण रूप से कभी नहीं बना जाता जीवन में, ये निरंतर सीखने का विषय है और ज्योतिषी हमेशा जीवन पर्यंत सीखता है। इसलिए लगातार निरंतर सतत अभ्यास ग्रह नक्षत्रों पे करते रहना एक सफल ज्योतिषी की निशानी होती है, अन्यथा दुर्व्यसन में लिप्त रहेगा ज्योतिषी, अभ्यास नहीं करेगा तो स्वयं को और ज्योतिष विद्या दोनों को कलंकित करेगा।